हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3। 14.3 में हमारे पास मीडियन है, कुछ बेसिक्स हैं इसके, पहले वो करेंगे। मीडियन मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा आएगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अनग्रुप डाटा की। जनरली मीडियन हम कैसे निकालते हैं? अनग्रुप डाटा दे रखा है आपके पास, ऑब्जर्वेशन दे रखी है। इफ़ एन इज़ ओड, एन इज़ ओड का मतलब अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हैं, यानी वो 3 हैं, 5 हैं या 7 हैं, काउंटिंग में ओड हैं, तो मीडियन हो जाएगा एन प्लस 1/12th ऑब्जर्वेशन। जैसे सपोज आपके पास ऑब्जर्वेशन हो गई 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये हो गई आपके पास 3 और 2, 5। टोटल काउंटिंग में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है, तो जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा? एन प्लस 1/2, यानी 5 प्लस 1, 6/2, थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है अगर एन इवन है, इवन का मतलब अगर वो काउंटिंग में 6, 8 या 10 इस टाइप में है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? मिडल वैल्यू नहीं आती, दो मिडल वैल्यू आ जाती है। सपोज़ काउंटिंग में 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अगर हम मिडल देखें तो हमारे पास दो वैल्यू है, सिंगल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल देते हैं। टोटल काउंटिंग में कितनी है ये? 6, तो 6/2 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन, और उससे +1 यानी उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन की एवरेज निकाल देते हैं। तो जितनी काउंटिंग में उसका हाफ किया, वो आ गया हमारे पास थर्ड और उससे नेक्स्ट, थर्ड और फोर्थ दो मिडल हैं, तो इन दोनों का क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मीडियन हो जाएगा 3 प्लस 4, 7/2, दैट इज़ 3.5। तो ये मीडियन हो जाएगा अनग्रुप डाटा का। अब आ रहा है हमारे पास ग्रुप डाटा दे रखा है, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास, सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं? एन बाई टू यानी सिग्मा एफ आई बाई टू करते हैं, उसकी वैल्यू चेक करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली टेबल में कहाँ लाई करती है, फिर वो आपकी मीडियन क्लास हो जाती है। और मीडियन का फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, जहाँ पर एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालेंगे, उसकी लोअर लिमिट, जैसे यहाँ 60 हो गए। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन हैं, या फिर सिग्मा एफ आई फ्रिक्वेंसीज का सम। सी एफ, सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे प्रिसीडिंग यानी पहले वाली की जो सी एफ लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, वो हो जाएगा सी एफ। फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी? एफ बनेगा फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच क्या हो जाएगा? क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब इंटरवल 0 to 5 है, तो 5 हो जाएगा, 0 to 10 है तो 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले एन बाई टू निकालना है, फिर मीडियन क्लास निकालनी है, फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये सब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। टोटल 68 कंज्यूमर हैं, उनका डाटा यहाँ गिवन है। मीडियन, मीन और मोड निकालना है, फिर उनको कंपेयर करना है। तो हम मीडियन निकाल रहे हैं, मीन और मोड आप खुद निकालेंगे, प्रीवियस टू एक्सरसाइज में आ गया हमारे पास वो। सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिखा हमने, यहाँ फ्रिक्वेंसीज गिवन है वो लिखी। सबसे पहले जो टेबल बनाएंगे, सी एफ टेबल बनाएंगे, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाते हैं? जो फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज़, फिर नेक्स्ट आप ऐड करते जाएंगे, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लus 14 56, 56 plus 8 64, 64 plus 4 is 68। यानी फर्स्ट वन आपको एज इट इज़ लिखनी है, फिर आप नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करते करते ये सी एफ बन जाएगी, और लास्ट वैल्यू वही आएगी जो यहाँ सिग्मा एफ आई है, ये बनेगा आपका सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है, एन बाई टू निकालना है, सो दैट वी गेट द मीडियन क्लास। एन की वैल्यू कितनी है? 68। 68 का करेंगे हाफ, 68 का हाफ कितना हो गया हमारे पास? 34। अब आपने जो ये 34 चेक करना है, ये सी एफ में चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करना है। तो यहाँ तक तो 22 फिनिश हो गया, 22 ऑनवर्ड्स जितनी भी वैल्यू है अप टू 42, ये आएंगी आपकी इस इंटरवल में। तो
तो 22 से आगे हमारा 34 है, तो 22 ऑनवर्ड्स यहाँ आ जाएगा, तो 34 यानी आपका इसमें लाई करेगा, ये बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास, जिसमें ये आपकी लिमिट मीडियन क्लास बन जाएगी 125 to 145। अब हमें एल एफ सी एफ और एच निकालना है। एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट कितनी है इसकी 125। एच क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास, कितने कितने का डिफरेंस है इसमें, 20-20 का डिफरेंस है, तो विड्थ ऑफ क्लास हो गई 20। फिर हम लेते हैं एफ, एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, तो एफ की वैल्यू 20। सी एफ की वैल्यू, सी एफ क्या होता है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास, तो ये बन जाएगा आपका सी एफ प्रिसीडिंग क्लास की सी एफ 22। आप सिंपल फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज और आपका रिजल्ट आ जाएगा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल की वैल्यू 125, एन बाई टू 68/2 दैट इज 34, सी एफ की वैल्यू 22, एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 20। कैलकुलेशन किया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया 125 + 12 इज इक्वल टू 137 यूनिट्स। ये तो आ गया आपका मीडियन। इसी क्वेश्चन में आपको मोड भी निकालना है। मोड का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोड अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नोड माइनस एफ टू इंटू एच। जहाँ पर मॉडल क्लास निकालते हैं जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 20 है, तो मॉडल क्लास भी यही बनेगी, लोअर लिमिट ये बनेगी, एफ़ वन ये खुद बनेगा, एफ़ ज़ीरो प्रीवियस वन और एफ़ टू नेक्स्ट वन बनेगा। इसी में वैल्यू पुट करनी है। फिर मीन निकालना है, मीन में क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जहाँ पर आप एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई क्या होगा, इनकी मिडल वैल्यू 65 और 85, इनकी मिडल वैल्यू निकालनी है। इन दोनों टेबल को मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स आ जाएगा, उसका एडिशन हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। फिर आपको इसमें कंपेयर करना है लेस ग्रेटर, कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी लेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन मोड और मीडियन तीनों ही निकालने हैं, इसको कंप्लीट करना, फिर नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।